ये कांग्रेस पार्टी का गारंटी कार्ड है, इस पे सिद्धरामैया साहब की, डीके सर की साइन है। ये दो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कांग्रेस पावर में आएंगे ना, तो 200 यूनिट हर घर को फ्री देंगे, 2000 रुपए हर घर की बड़ी औरत के अकाउंट में हर माह आएंगे, 10 किलो चावल फ्री। तो आप लोग सब कांग्रेस को सपोर्ट करना है। गारंटी कार्ड है, 3 स्कीम है इसके, कांग्रेस पार्टी के आने वाले दिनों में पावर में आई तो 200 यूनिट हर घर को फ्री देंगे, हर घर की बड़ी औरत के अकाउंट में 2000 रुपए महीना, 10 किलो चावल हर फर्द को घर के फ्री। अब आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पावर में आएंगी पार्टी तो हर घर को 200 यूनिट फ्री देंगे करंट के, और 2000 रुपए हर घर की बड़ी औरत के अकाउंट में हर महीना आएंगे, 10 किलो चावल फ्री हर मेंबर को। और एक नई स्कीम आई, उसमें जो ग्रेजुएट बच्चे हैं ना, उन लोग को नौकरी मिल 2 साल तक 3000 रुपए महीने को देंगे, और जिसके पास डिप्लोमा है उनको 1500 रुपए 2 साल तक उनको नौकरी मिलने तक। 4 स्कीम्स है कांग्रेस पार्टी के, तो आप लोग सब सपोर्ट करना कांग्रेस। शुक्रिया। ये कांग्रेस पार्टी के 3 स्कीम्स हैं, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला कांग्रेस आएंगी पावर में, हर घर को 200 यूनिट फ्री देंगे हर करंट, 2000 रुपए हर घर की बड़ी औरत के अकाउंट में हर महीना आएंगे, और 10 किलो चावल फ्री। और एक नया स्कीम 20 तारीख को राहुल जी वहाँ आए थे ना बेलगाम में, और एक लॉन्च किया उन्होंने, जो ग्रेजुएट बच्चे हैं जॉब नहीं है ना, जॉबलेस बच्चों के लिए मंथली 3000 रुपीज 2 साल तक देंगे, जब तक उनको नौकरी वो नहीं होती, और जो वो है डिप्लोमा होल्डर है उन लोगों को 1500 रुपये महीना 2 साल तक देंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी के कार्ड है, गारंटी कार्ड। अच्छा। इसमें 3 स्कीम्स है कांग्रेस पार्टी के। अब आने वाले दिनों में सरकार बनाएंगी इंशाल्लाह पार्टी। अच्छा। तो 200 यूनिट हर घर को फ्री देंगे। अच्छा। 2000 रुपए घर की हर बड़ी औरत के अकाउंट में आएंगे फ्री हर महीना, 10 किलो चावल फ्री सबको। कांग्रेस पार्टी के 3 स्कीम्स है। अच्छा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पावर में आएंगी तो हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अच्छा। वो सबके लिए है वो। अच्छा। और जो BPL वाले हैं, कार्ड वाले, उनके अकाउंट में बड़े जो लेडी रहते हैं ना, हर महीना 2000 रुपए आएंगे। अच्छा, अच्छा, और 10 किलो चावल लोगों को फ्री रहेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का कार्ड है, गारंटी कार्ड। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पावर में पार्टी आएंगी तो आप लोगों को 200 यूनिट फ्री देंगे बिजली के, करंट का जो बिल रहता ना आपका, 200 यूनिट फ्री, तकरीबन फ्रीज पड़ता आपको बिल पूरा। 2000 रुपए हर घर की बड़ी औरत के अकाउंट में आएंगे हर महीना, 10-10 किलो चावल फ्री देंगे सबको। ये कांग्रेस पार्टी का गारंटी कार्ड है जी। आने वाले दिनों में सरकार में इंशाल्लाह आएंगी कांग्रेस गवर्नमेंट तो 200 यूनिट हर घर को फ्री देंगे बिजली के, 2000 रुपए हर घर की बड़ी औरत के अकाउंट में हर महीना आएंगे, और 10-10 किलो चावल पूरे जितने भी मेंबर्स हैं उनको सबको फ्री होंगे 10-10 किलो चावल। कांग्रेस पार्टी को वोट डालना। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सरकार बनाएगी कांग्रेस पार्टी तो आप लोगों को हर घर को 200 यूनिट फ्री देंगे करंट के, 2000 रुपए हर घर की बड़ी औरत के अकाउंट में आएंगे, और 10 किलो चावल हर मेंबर को, जितने भी मेंबर है आपके अकाउंट में उनको 10-10 किलो चावल हर महीना। तो आप लोग कांग्रेस को सपोर्ट करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज वार्ड नंबर 17 में तब्बू खान के वार्ड में हम लोग आए हैं यहाँ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने, और लोगों को उस कार्ड के बारे में बताने के लिए कि क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं उन लोगों को आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला कांग्रेस पावर में आने के बाद। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ये कि हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग। अभी तक अब जो ग्रेजुएट है बच्चे जो जिसको नौकरी नहीं है उनको महीना 3000 रुपए दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से आने पावर में आने के बाद, जो राहुल जी ने बेलगाम में अनाउंस किया है। और जो डिप्लोमा होल्डर है वो लोगों को 1500 रुपए दिए जाएंगे मंथली पॉकेट मनी की तरह, जब तक उन लोगों की जॉब नहीं होती 2 साल के लिए दिए जाएंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जॉब्स का भी तो हम लोग कोशिश करके जितने बेरोजगार है बच्चे उनको सबको जॉब दिलाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट में जो वादे किए गए थे, हमरुल सलाम साहब जब मिनिस्टर थे कई ऐसे स्कीम्स आए थे जो माइनॉरिटीज़ के लिए थे, तो पूरे वो पूरे हुए हैं। और जब से
बीजेपी पावर में आई है वो पूरे बंद स्कीम्स बंद हुए हैं इंशाल्लाह ताला वो सब तमाम स्कीम्स हम कोशिश करके पूरे करेंगे। पानी की जो तकलीफें बताई जा रही है तो उस पर किस तरीके का काम कांग्रेस आपकी तरफ से? हम लोग LND वालों से मीटिंग ले चुके हैं 1-8 दिन पहले, फिर आज रखने वाले थे लेकिन आज उगादी होने से नहीं हो सकी मीटिंग। कल मेयर इलेक्शन है, परसों फिर हम पूरे कारपोरेटर्स के साथ बैठकर हम मीटिंग लेके जितना जल्द हो सके ये मसला हल करेंगे। बीजेपी पार्टी ने जबरदस्ती करके 6 MLCs को ज्वाइन कराए हैं, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो हमारा मेयर भी बन सकता है। हम आवाम को यही कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है सबको जिसको जो सबको सपोर्ट करती है, सब गरीब अमीर कोई भी जात हो सबको लेके चलती है, सबके लिए लड़ती है कांग्रेस पार्टी। तो इसीलिए आप लोग तमाम कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट कीजिए, आइंदा आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए भी बेहतर रहेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। या आज आवाम का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, जो कांग्रेस पार्टी गारंटी कार्ड जो लेके उतरी है ये टाइम इलेक्शन में, तो इस पर लोगों को भी भरोसा है कि वाकई में कांग्रेस पार्टी अगर कुछ गारंटी दे रही है तो वो करती है 100%। ऐसा नहीं है कि हवा में बात करने वाली पार्टी नहीं है कांग्रेस, जो भी गारंटी देती है तो वो पूरा करती है। लोग भी बोल रहे हैं कि ये होने वाला है, बल्कि तो इंशाल्लाह अगर कांग्रेस पार्टी हमारी ये इस बार इसमें आ जाएंगी पावर में तो इंशाल्लाह ये तो हर फर्ज को हर गर्व को हम खुद, मैं जैसा कॉरपोरेटर हूँ, हमारे तमाम जो कॉरपोरेटर्स हैं, हम सब मिल के हर घर को ये देंगे इंशाल्लाह। कांग्रेस पार्टी इससे पहले भी कर चुकी है, जैसा सिद्धरामैया साहब की इसमें गवर्नमेंट में हो चुका है। माइनॉरिटीज़ के लिए कितना बजट था, कितने करोड़ बजट था, आप खुद चेक करिए वो, और वो JDS पार्टी हो या BJP पार्टी हो, वो लोग भी साहब आप लोग भी चेक करिए माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या करी है कांग्रेस गवर्नमेंट। तो ये झूठे वादे नहीं है, सच्चे वादे हैं और इसको हम खुद सच्चा कराएंगे इंशाल्लाह, हम खुद सब मिल के सच्चा करेंगे। माइनॉरिटीज़ की अपनी बात की तो माइनॉरिटीज़ के काफ़ी सारे स्कीम जो है ना फिलहाल बंद है, तो क्या कांग्रेस पार्टी सरकार में आने के बाद इन स्कीम्स को वापस से चालू किया जाएगा, स्कीमों में या कुछ बढ़त की जाएगी? जी बिल्कुल इंशाल्लाह ये स्कीम को भी चालू करेंगे, जैसा कि ये अब स्कॉलरशिप वो है सब बंद ये हो चुके हैं, तो पेंशन भी बंद है, तो इंशाल्लाह सब ये हम चालू करेंगे कांग्रेस पार्टी हमारी, और आगे भी जो भी स्कीम्स नए आएंगे वो भी चालू करेंगे इंशाल्लाह। कल मेयर इलेक्शन भी है तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी मेयर बनाने में सफल होगी? इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो हमारी पार्टी मेयर बनाएंगी इंशाल्लाह। अब वो BJP वाले गलत काम करके MLCs को जो ये करे हैं तो इसका जवाब तो देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल पूरे 27 कॉरपोरेटर्स जो हमारे गुलबर्गे के हैं, मैडम के साथ है, पार्टी के साथ है, कोई डिस्टर्ब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। देखेंगे और मैडम का भी बहुत सपोर्ट रहा है ये मेयर इलेक्शन के लिए, और आगे भी देखेंगे जो हो सकता है। मेयर बनता है तो डेवलपमेंट किस तरीके से करा जाएगा जल्द से जल्द? पानी की जो तकलीफ है या रोडों की है या ड्रेन की है या कई सारे जो ना कॉरपोरेशन के काम पेंडिंग पड़े हैं, तो उन कामों को किस तरीके? जी जी वही 2 साल से पेंडिंग पड़े हैं ऑलमोस्ट इसका, तो मेयर आना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर कांग्रेस का मेयर बनना बहुत ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह जैसा ही मेयर बनेगा हम लोग काम करना चालू करेंगे इंशाल्लाह। मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा मुसलमानों को कि मुत्तहिद हो जाइए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा करिए, जैसा कि आप इतने साल भरोसा करते आए हैं और उसका रिजल्ट भी देखे हैं आप, तो ये बार भी आप एक मौका दीजिए, मैडम को मौका दीजिए, इंशाल्लाह आपके जो भी चीज़ है हम लोग सब। सर लास्ट एक क्वेश्चन है कि मैडम के ताल्लुक से एक बात कही जा रही है दूसरे पार्टी को कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो आपके एरिया में किस तरीके का डेवलपमेंट है? अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट तो हुआ है, आप देख सकते हैं रोड्स है, ड्रेनेज है, पाइपलाइन भी हो चुकी है, स्ट्रीट लाइट है, लाइब्रेरी भी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह रामजी नगर में, और हम लोग बहुत से ऐसे डेवलपमेंट काम कर चुके हैं मैडम के अंडर लीडरशिप में, तो आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। अब जैसा ही बॉडी हमारी बनती है तो आगे और सहूलत मिलेगी और काम करने पावर मिलेगा। हर वक्त हमारे भाई को डाले, बच्चों को तकलीफ दिए, कहाँ सताए, क्या करे, कौन है बीच में? हमारे भाई आधी रात को आते थे हमारे, हर बार काम करें, हमारा हर बार काम करें, और देखो वजीफा हर घर को है, हर एक दो को है, हर एक दो को क्या BJP बने? नहीं बने, कोई नहीं दिए साथ।
राशन खा रहे उसका खा रहे गवर्नमेंट का, हर चीज़ गवर्नमेंट की है। अगर समझने वाले उनको गवर्नमेंट का है तो उनको जरी भी अक्ल है तो किसी के पार्टी में नहीं जाएंगे कोई मुसलमान। बस सलाम अलैकुम। चाह रही थी मैं आपकी सपोर्ट कर रहे। हम खमार भाई को हमेशा करते हैं, हमारा खमार भाई स्टेशन के है, हम भी उनके रिश्तेदारी है, हम बता नहीं।